Do subscribe to IKIDA channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. So, problem मैंने already लिखा है paper पे. तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्या लिखा? Find the real values of x and y for which the complex number -3 + i x² y and x² + y + 4i are conjugate of each other. Okay? So already उन्होंने question में दिया है आपको कि ये दोनों complex number एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं. तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक पे कॉन्जुगेट लगा के इक्वल कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. सो लेट कर लेते हैं. सपोज ये जेड वन है -3 + i x² y एंड जेड टू आपका ये है x² + y + 4i. अब उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मीन्स आप किसी पे एक कॉन्जुगेट लगा सकते हैं. सो जेड वन इक्वल टू जेड टू बार. ओके, सो नाउ अब ये यहां पे रखते हैं हम. सो -3 + i x² y जेड टू बार आप यहां से देख सकते हैं क्या होगा आपका x² + y - 4i. ये वैल्यू यहां पे रखते हैं x² + y - 4i. अब यहां पे क्या करेंगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था जब के रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, तब जाके दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं. तो वहां पे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं. तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है x² y, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4. सो यहाँ पे लिख सकते हैं by इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आपको मिल जाएगा x² y = -4 and x² + y = आपको मिला -3. अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. y की वैल्यू क्या है -4 upon x², ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे. तो हमें क्या मिलेगा x² - 4 upon x² = -3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x⁴ - ये इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x² - 4 = 0. अब ये यहाँ पे हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि आप उसको बाय क्वाड्रेटिक को पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करो फिर सॉल्व करो. अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली आप उस टाइम पे क्या था, आप सीख रहे थे, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन हमें मिला है x⁴ + 3x² - 4 = 0. डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे x⁴ + 4x² - x² - 4 = 0. मिडिल टर्म स्प्लिट किया, अब यहाँ पे x² कॉमन है तो आपको क्या मिलेगा x² + 4, यहाँ पे कॉमन है आपका -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको x² + 4 = 0. अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको x² 4 × x² - 1 = 0. अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. ओके, सो x² + 4 = 0 or x² - 1 = 0. अब x² + 4 = 0 अगर है, यानी x² = -4. अगर x के रियल की बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता, बट क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही बोल दिया है आपको x और y की आपको रियल वैल्यूज लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे x² + 4 = 0 वो कॉम्पिशन हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो ये हमारे काम का नहीं है. यहाँ से x² = 1, सो x = आपको मिला ±1. आप हमें दो ही क्वेश्चन मिला था, यहाँ पे आप एक बार x की वैल्यू -1 डालेंगे तो आपको y की वैल्यू -4 मिलेगा, एक बार x की वैल्यू +1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा अगेन -4 मिलेगा. सो
एट एक्स इक्वस टू माइनस वन, वाई आपको क्या मिलेगा माइनस फोर, एंड एक्स इक्वस टू प्लस वन आपको वाई मिलेगा माइनस फोर। सो दोनों केसों में आपको y की सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहां से हमने निकाल लिया x और y की वैल्यूज क्या होगी। तो आपने देखा प्रॉब्लम इतना टफ नहीं था, ओके? आपको एक दो कॉन्सेप्ट माइंड में रखने और इजीली सॉल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे मैंने एक नया, ये पुराना कॉन्सेप्ट था प्रीवियस से लाइक क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके? सो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, एक कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट, ओके? सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आप, हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक दो प्रॉब्लम करके सॉल्व करके और दिखाएंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।